हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत क्लासेस। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि यूनिट 4 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी इंडिया, चैलेंजेस टू पीस, स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया था। और व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन, देन नेशन बिल्डिंग, देन स्टेट का काम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी किया था। देन चैलेंजेस टू पीस एंड स्टेबिलिटी हमने स्टार्ट किया था। तो हमने कश्मीर इशू, लाइक कश्मीर में जो डिस्टर्बेंस होता है, लाइक स्पेशली टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सारी चीज़ों को हमने फर्स्ट चैलेंज देखा। देन आफ्टर दैट सेकेंड चैलेंज, दैट इज़ लेफ्ट विंग टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन सोसाइटी, देन टेररिज्म एंड स्प्रेड ऑफ टेररिज्म इन इंडियन सोसाइटी एंड इट्स इफेक्ट। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सी द रोल ऑफ द स्टेट। इन सारे जो चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में और नेशनल इंटीग्रेशन में और नेशनल बिल्डिंग में, तो उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए स्टेट का क्या रोल बनता है, तो इसे हम आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन सर्टन एरियाज। तो फ्रेंड्स, हमें इस इशू को समझने से पहले हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जो लेफ्ट एंड राइट विंग आइडियोलॉजी है, ये दोनों टर्म्स कहाँ से इमर्ज होते हैं। तो फ्रेंड्स, 1789, दैट इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त जब जो लोग किंग के सपोर्ट में थे, मोनार्की के सपोर्ट में थे, उन लोगों को असेंबली में प्रिंस के राइट साइड में बैठाया गया, और जो लोग इसके अपोजिशन में और वो जो लोग चेंज चाहते थे सोसाइटी में, कुछ राइट्स चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे, रिवॉल्यूशन चाहते थे एक तरीके का, तो वो लोग लेफ्ट विंग के लेफ्ट में बैठे, और वही लोग लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और लेफ्ट विंग कहलाए। तो इस तरीके की दो आइडियोलॉजीज आज हमें देखने के लिए मिलती हैं। और आप राइट विंग आइडियोलॉजीज को बोल सकते हैं कि वो लोग जो चेंज नहीं चाहते, दैट इज़ कंजर्वेटिव्स आप बोल सकते हैं। देन अदर वन इज़ दैट इज़ रेडिकल्स और सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके की दो आइडियोलॉजीज़ हैं ये। देन आफ्टर दैट, ये जो हमारे इंडियन सोसाइटी में नक्सलिज्म और कम्युनिस्ट पार्टी का जो इमर्जेंस है, वो 1925 में हमें मेनली दिखता है, लाइक फाउंडर्स लाइक एमएन रॉय स्पेशली। देन आफ्टर दैट, और इस चीज़ का इमर्जेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड ओनरशिप, और लैंड ओनर को लेकर जो ज़मींदारी सिस्टम प्रैक्टिस की जा रही थी ब्रिटिश राज में, तो उसी को टैकल करने के लिए CPI और CPIM, ये चीज़ें इमर्ज हुई थी। तो ये पार्टीज़ का मेन बेस क्या है, तो हम लोग वो चीज़ देखते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमें पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए ट्राई किया, दैट इज़ स्टेट एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1953, देन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इन 1955। ये अलग अलग दो एक्ट्स लाए गए जिससे जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए, और जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको ज़मीनें प्रोवाइड की जाए, उन लोगों से ज़मीनें लेकर जो लोगों के पास एक्सेस लैंड है। तो मेनली बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट ग्राउंड लेवल पर इन पॉलिसीज़ का उतना इफेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ करप्शन, देन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स, ये अलग अलग रीजंस की वजह से इन पॉलिसीज़ का उतना यूजफुलनेस नहीं आया। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए 1959 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किसान सभा स्टार्ट की, और अलग अलग जगह अपने प्रोटेस्ट को और अपने एजिटेशन को, अपने डिमांड्स को सामने लेकर आने लगी। बट इन जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो रही थी, तो उस वक्त उसकी आइडियोलॉजी के बेस बनाकर CPI में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, अपनी पार्टी में ही उनका स्प्लिट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तो एक नई पार्टी इमर्ज होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फॉलोड बाय मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, और जिसको हम रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके की एक नई पार्टी इमर्ज होती है। तो और इस पार्टी के और नक्सलिज्म की जो हिस्ट्री है इंडियन सोसाइटी में, उस हिस्ट्री को हम चारू मजूमदार के बिना हम कभी फुलफिल या पूरा नहीं समझ सकते हैं। तो चारू मजूमदार ने इस चीज़ को लीड किया है, नक्सलाइट मूवमेंट्स को इन इंडियन सोसाइटी में। और जब 1965 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी एरिया में कुछ किसान सभाएं चल रही होती हैं, तो उस वक्त कुछ लीडर्स लाइक कानू सन्याल, देन जंगल संथाल, ये दो अलग अलग लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ
ऐसे मोमेंट्स को लीड किया जिन्होंने डायरेक्टली रेडिकल एक्शंस पर बिलीव किया उन्होंने, और ऐसे मोमेंट्स को लीड किया जहां पर वो लोग डायरेक्टली जमींदार से जाकर उन्होंने मोर देन 100 लोगों को मार दिया गया वहां पे, उनके जमींदारों के घरों को जला दिया गया, और जो लैंडलेस पीपल है उन लोगों को जगह दी गई, उनको वो ज़मीनें दे दी गई। तो और इसमें मजुमदार ने क्या कहा था कि स्नैचिंग अवे, मतलब हम अपनी जगह अपनी ज़मीनें उन लोगों से छीन लेंगे, ये क्या हमारा हक है। तो इस तरीके की आइडियोलॉजी पर वो लोग बिलीव करने लगे। तो जब 1969 में ये सारी चीज़ें हो रही थी, 1965 में ये सारी चीज़ें हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ही मजुमदार के इस आइडियोलॉजी को इंटरनली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। तो चारू मजुमदार ने अपनी एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1969 में, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माविस और लेनिनिस्ट, ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी का अमलगमेशन कर कर उन्होंने अपना एक आइडिया अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसी को ही आज नक्सलाइट्स मूवमेंट कहा जाता है। और इनके अलग अलग अपने प्रोपोगेंडास है, और वो लोग अपने नेटिव पीपल के लोगों के डिमांड्स को सामने लेकर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए ट्राई करते हैं, प्रेशराइज करने के लिए ट्राई करते हैं। और इनके अपने आइडियोलॉजीज़ को या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ टैक्टिक्स मिलने, लाइक यूज़ ऑफ प्रोपोगेंडा स्लोगन्स, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बहुत सारे लोगों को एक मास लेवल एजिटेशन क्रिएट करना, देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटीज़ को रिवोल्यूशन के लिए खड़ा करना, मोबालाइजेशन अर्बन पीपल को, अर्बन लोगों को जो शहरी इलाकों से बिलोंग करते हैं उन लोगों को एक बड़े बड़े इश्यूज़ के लिए मोबालाइज करना, देन डेवलपमेंट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, देन मिलिट्रीज अपनी एक सेपरेट मिलिट्री तैयार करना इस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि वो लोग आर्म रिबेलियन पे बिलीव करते हैं मेनली। और इसमें एक चीज़ पॉइंट आउट करने के लिए ये है कि वो लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए या जो लोकल बॉडीज़ हैं इनको टैकल करने के लिए बाल दल, मतलब बच्चों का मोर दे लेस देन 6 ईयर्स और मोर देन 6 ईयर के बच्चों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको बाल दल भी कहा जाता है और बाल दस्ता भी कहा जाता है, तो चिल्ड्रंस को इस्तेमाल किया जाता है उनको। इस तरीके का नक्सलाइट्स मूवमेंट हमारी सोसाइटी में और हमारी कंट्री में देखा जाता है। देन आफ्टर दैट टेररिज्म, टेररिज्म को समझ, टेररिज्म नथिंग बट के एक थ्रेट, वायलेंस क्रिएट करने के लिए एक थ्रेट टू क्रिएट और यूज़ ऑफ वायलेंस, और इस तरीके का वायलेंस का वो है वायलेंस का इस्तेमाल करना जो सोसाइटी के लोगों में पैनिक क्रिएट करे, तो इसी चीज़ को टेररिज्म कहा जाता है। देन आफ्टर दैट जो ट्रेडिशनल वे था और ट्रेडिशनल टेररिज्म था वो स्टेट सेंट्रिक होता था, डायरेक्टली वो स्टेट को टारगेट करते थे। बट आप अगर मॉडर्न टेररिज्म को देखेंगे तो मॉडर्न टेररिज्म में आज उसका जो टारगेट था वो चेंज हो गया है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशन छोड़कर आज मास को डायरेक्ट पीपल को और लोगों को डायरेक्टली अटैक कर और टारगेट करते हैं, और उनको लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं, और लोगों में पैनिक क्रिएट कर कर वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, और उनका जो स्पैन था वो जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया है, और एक्सेस करने का जो तरीका था वो बढ़ गया। फिर सम एग्जांपल्स लाइक इन 9/11, 26/11, ये अलग अलग बहुत सारे, फिर मुंबई बम ब्लास्ट, मुंबई सीरियल ब्लास्ट, ये अलग अलग अटैक्स है जिसमें उन्होंने लोगों को इंजर किया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। तो इस तरीके की अदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी कंट्री में रहकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से एक्सेस करते हैं। देन हमारी सोसाइटी में, अगर किसी सोसाइटी में ऐसे चैलेंजेस है तो वो सोसाइटी इन चीज़ों को कैसे टैकल करे, तो रोल ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, सबसे पहला जो बेसिक लेवल है इन प्रॉब्लम को, इन चैलेंज को टैकल करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको स्ट्रेंथन करना, और डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं, उनको राइट्स है, उन सारी चीज़ों को हम सोशली और कल्चरली डायरेक्टली उनको प्रोवाइड करें, तो हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं। देन अगर ये चीज़ नहीं होती है वहाँ पर, प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर ऑकर हो रहा है, तो हम वहाँ पर कुछ बोर्ड्स बना सकते हैं, कुछ काउंसिल्स बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बना सकते हैं, ये अलग अलग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका है। देन आफ्टर दैट थर्ड लेवल, तो उस वक्त के जब वो पर्टिकुलर इशू अपने पीक पर पहुंच जाए तो वहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं रहता बल्कि यूज़ ऑफ फोर्स। अब वहाँ पर आर्म फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है और पुलिस फोर्स भी इस्तेमाल की जा सकती है, स्टेट पुलिस फोर्स। ये तीन अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को स्टेट
टैकल करती है उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए. हम इसका अभी रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं विथ डिमांड ऑफ गोरखा लैंड वेस्ट बंगाल में. तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है और हमारा फोर्थ यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है, दैट इज़ कंटेम्प्ररी इंडिया चैलेंजेस टू पीस एंड स्टेबिलिटी. तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखने के लिए. हमारे ऐसे ही न्यू और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल आयत क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स.